हरियाणा भी दुआ उठा सुबह सुबह देखे पैथी कैसे हुई है। दुआ दुआ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। और जाना माशाल्लाह से भी मैं आई हूँ छत पर सुबह सुबह, देखे बच्चे स्कूल भी आए हुए हैं और माहौल देखे आज बिल्कुल शुक्र है कि ना मौसम कुछ ठीक है, वरना रोज़ाना नहीं होता, रोज़ाना ना फोक होती है जिसकी वजह से हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते, जाते हैं मगर इतनी धुंध होती है ना कि क्या बताएं। लेकिन अब वो देखे वो दिख रही है सामने हमारी स्कूल की दरख्त, ये दरख्त है और पीछे जो उसके साथ ये वाला घर है उसके पीछे हमारा स्कूल है। तो यहाँ पर बच्चे भी स्कूल आए हुए हैं और अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी नीचे चलते हैं, खेल रहे हैं सुबह सुबह ये लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे आप सब? दुआ करते हैं सब ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको हमारा व्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया तो ज़रूर लाजमी दबाएगा, जो बेल आइकन को दबाएगा हमारी नई वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंचेगी। आप सबको हमारा व्लॉग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मुझे खांसी भी बहुत है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ ठीक नहीं निकल रही। तो अच्छी आप सब लोगों ने हमारे लिए दुआ करने है कि ना हमें खांसी भी है और एलर्जी भी है, सबको आप सब लोगों ने दुआ करनी की है, दुआ करनी है कि हम सब लोग ठीक हो जाएं जल्दी से जल्द। तो यहाँ पर देखें सोख सोख जना रोटी बन रही है अभी सुबह सुबह हमारा नाश्ता। नाश्ता कैसा लगा सुबह का? चल और यहाँ पर जो है मैंने अभी तूड़ी डाल दी इसमें, तो अभी जो है इनका बनाते हैं चारा, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए गाँव घास लेने तो मैं पहले इनको तूड़ी बना के डालती हूँ। और ये मक्की का वंडा भी आ गया, तो अभी जो है ये तूड़ी मैंने इनको बना दी है, नीचे जो घास पड़ा था वो भी डाल दिया इसमें और ये भी। और कभी कभी ना तूड़ी में कचरा भी होता तो उसको जो है ना निकालना पड़ता है ऐसे, ये बना के ना फिर जो है उनको बाहर निकाल दूंगी तब तक। अब जो है ये डाल के ना अब जो है मैं कचरों को निकाल दूंगी बाहर। और यहाँ पर जना भी मैंने कहा ठंड जाना यहाँ से लकड़ी निकाल लेती हूँ, तो ये ना नीचे फंसा हुआ था, मैंने कहा ये क्या है, तो ये उमर ने ना अपने वेट के लिए बनाया कि बॉडी बिल्डर क्या है ये बोलते हैं उसको, ये देखें दस्ती उसने ये बनाया है, कितनी मेहनत की यहाँ से लकड़ी हटाई है और फिर यहाँ से हटाई है वेट लॉस के लिए ना, ये हाथ से पकड़ने की जगह बनाई है उसने। ये मड लेने गए थे, मड लेके आ गए, घास भी पहले लेके आ गए और लेके आ गए मड। चलो आज कितने किलो ली? आज डेढ़ माने 60 kg। तो ये भी तूड़ी खा ही रहे थे कि जी आ गए। इसको आधी डाल दें इस तूड़ी में ना, मिक्स कर दें ऐसे, गरम हो गया आज भी ना, बस आधी ने इसमें मिक्स कर दें, आधी छोड़ देते हैं रात को अंदर डाल के डालेंगे गरम। गरम गरम धुएं निकल रहे हैं। अच्छा ये मड का पूछ रहे हैं ये क्या है, ये कमांड से कोई केमिकल है? कमांड की जो है ना मिल होती है, शुगर मिल, वहाँ से कमांड का जो कचरा होता है ठीक है उसको फिर जो है ना ब्रीक मशीनों पे पाउडर बना के फिर बाहर निकालते हैं। अच्छा पहले ये ना लोगों की आबादियों में डालते थे ना, अब जो है ना ये सेल होने स्टार्ट हुई है, पहले मवेशी खाना शुरू हो गया, अब मवेशी खाना शुरू हो गया। बस 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 इनको लोडे बिच ये ऐसे ना तूड़ी में मिक्स हो जाएगी ना, तो ये फिर शौक से खाएंगे। पूरा दिन ये गेट के साथ ऐसे लड़ाई करते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा बारिशें बता रहे हैं कि पहली से हो रही, तो यहाँ पर जो लकड़ियाँ खुश्क जो वहाँ पर पड़ी हैं ना तो इसके ऊपर ही डाल देती हूँ ताकि बारिश भी हो तो हमें जो लकड़ियाँ खुश्क मिल जाएँ आग जलाने के लिए। और यहाँ से मैं लकड़ियाँ निकाल रही थी तो ये जनाब कह रहे हैं क्या देखा है आपने यहाँ पर?
कोबरा। अच्छा यहाँ पर कैसे स्नेक आ गया इतनी ठंड में? मुझे डराने की कोशिश करें, मैं ये लकड़ियाँ ना सर्दियों के लिए जमा कर रही हूँ कि बारिश है ना, तो यहाँ से शबनम से वैसे भी ये खुश्क नहीं हो रही, तो ये मुझे करें यहाँ से नहीं निकालो, यहाँ पे सांप मैंने रात को देखा है। और ये देखें ये वेट लॉस का मैंने कहा, आप थोड़ा वर्जिश करें, ऊपर करें ना ऊपर। हाँ हाँ ऐसे हाँ। ये तो वेट भी नहीं है, ये तो एक हाथ से भी हो सकता। ओए होए होए, ये देखें इसका वजन नहीं है। अच्छा कहता है वजन नहीं है, तो मैंने कहा फिर ये उठाओ ये जो पड़ा है, कहता है मैंने अब नहीं उठाना। उठाओगे? हाँ हाँ उठाओ। ओए हाँ ये बड़ा वजन है। सामने आओ ना, तो मैं कौन सा छुपा हूँ। अब जैसे ये कम है क्या? ये भी उसका भाई है। तो फिर ये उठाओ, ये इतना बड़ा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, नहीं उठेगा। और अभी जो ना बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर नीचे, और ये सारा कचरा जो ना मैंने कहा इसमें डाल दूँ कपड़े में, ये फिर चूल्हे पे वो आग जलाएंगे इसकी, तो ये वाला जो लकड़ियाँ ना फिर से मैंने इधर ही डाल देनी है। और यहाँ से साफ साफ लकड़ियाँ जाना, सिर्फ पत्ते नहीं उठाने मुझे, बाट बड़े तवे वाले, साफ साफ लकड़ियाँ इधर डालनी है। और ये वाली जगह बैठकर ही मैंने सारी साफ कर दी, तो यहाँ से ये कचरा अभी जो है ना इसमें भरती हूँ और इसको डालती हूँ रेडी में, और फिर जो है ना आपको दिखाती हूँ सफाई करके। देखिए इतना सारा जो है ना इसमें से कचरा निकला है, और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा के ना ये हालत हुई है मेरी कपड़ों की, और ये जगह अब साफ हो गई है और ये जगह रहती है। फिर ये वाली जो लकड़ियाँ ना ये सारी जो है मैंने उठा के यहाँ पे रखनी है ऐसे बराबर करके, और ये जो कचरा है ये रखना है चूल्हे पर, तो अभी इसको चूल्हे पे रखती हूँ, और बाकी जो लकड़ियाँ मैंने इधर फैलाई हैं सारी ये उठा के यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पर ना सूरज आहिस्ता आहिस्ता ना निकल रहा है, बादलों में छुपा हुआ है, क्यों बाहर निकलो? बहुत इसकी देखें रोशनी जैसे पड़ रही है ना, बहुत सुकून मिल रहा है, लगे जो फिर से लगता है छुप रहा है, ये बाहर नहीं निकल रहा, क्या करे, नहीं निकल रहा, फिर से अंदर जा रहा है बादलों में। पूरा दिन, कितने दिन हो गए, दिन ही नहीं निकल रहा, अभी ऐसा ऐसा निकलना स्टार्ट, और असर का टाइम भी होने वाला है। और भी माशाल्लाह से रात को मैंने खीर बनाई थी और ठंडी होने के लिए रख दी थी, तो सुबह जो है जैसे उठे सबके घरों में दिए, तो अभी मैं खाने के लिए बैठी हूँ तो मुझे याद आया कि भाई खीर जो ना मैंने वीडियो तो बनाई नहीं इसकी, तो माशाल्लाह ग्यारी शरीफ का ख़त्म दिया है, सबके घरों में भेजी है। और ये देगची भरी हुई थी, अभी जो ना थोड़ी सी बची है, ये मैंने रखी अपने हस्बैंड के लिए, और बड़ा तपीला हमने बनाया था ना, वो तपीला सबके घरों में एक एक प्लेट दी है, और बच्चों को भी यहाँ पर खिलाया है, अभी ये थोड़ी सी मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए बचा के रख दी है। और घर में जो है ना बिल्कुल आटा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दिन निकल नहीं रहा कि चक्की पर डालें, तो आज जो ना लाइट भी डिम है, तो उमर से मैंने कहा चक्की पे डाल दो और जो है ना आटा ले आओ। उमर उठा लोगे? नहीं नहीं उठा पाओगे? उठाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं उठ रहा? नहीं उठ रहा। हाँ मम्मा। नहीं उठा? चप्पल भारी है ना इसने ली, चप्पल भारी है, चप्पल इसने उतार दी, अब उठा रहा है। मम्मा मैंने ये बनाई है। और भी सारा दिन मैं भी बिजी रही हूँ काम, मैं उठाती हूँ, हेल्प करती हूँ। और भी सारा दिन जो ना मैंने आज ये नीचे जगह साफ करी है, बिल्कुल साफ सुथरी जगह करके ना ऊपर लकड़ियाँ डाल दिया, मैंने कहा जी अब ये देखें ये साफ़ सुथरी लकड़ी पड़ी, इसमें कोई कचरा खोरी वगैरह कुछ, खोरी जो है ना इस साइड भी आ गई, तो अभी जो है ना मैं खोरी की भी तो ज़रूरत होती है ना आग जलाने के लिए, रोटी बनाते हैं उसके ऊपर, तो आज पूरा दिन मेरा इसी। और ये वाली नुक्कर जो है ना बची, इसमें थोड़ा सा कचरा पड़ा है, वो हमने एक दो दिन में वो भी जला देना है। और ये बोरी है जो फटी पुरानी, ये इससे ना आग आसानी से जलती है ना, तो ये इसलिए मैंने रख दी है। तो अभी जो ना ये देखें आज मैंने रूम की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है, और बेडशीट भी चेंज किया है, यहाँ पर इस तरह का जो है मैंने बना दिया है, तो अब कुछ रूम जो है अच्छा अच्छा लग रहा है। फिर रात को क्या होता है, यहाँ पर बच्चे नीचे गद्दे डाल के सो जाते हैं, क्योंकि हीटर चलता है इस रूम में, इस वजह से वो शहद भी पड़ी हुई है बच्चों के लिए, और ठंड जो है ना तो हर तरह से कोशिश करें कि बच्चों को जो है ठंड से बचाएं, लेकिन बच्चे के बैठते ही नहीं अंदर रूम में।
और अभी जो है ना मैंने उमर को दाने जो है ना भेज दिया चक्की पर। इनके पापा कह रहे थे कि आज आप ना चावल बना लो, तो मैंने कहा चावल तो हम बनाते नहीं हैं, आप जो है ना मुझे आटा ही लेकर दे। चक्की से पता कि आटा है नहीं, तो इससे कह रही हूँ अभी लाइट थोड़ी सी आई है, लेकिन ये देखें बिजली जो है ना फुल नहीं है, कम लाइट है। तो जैसे ही बिजली, हाँ मैं आपको एक चीज दिखाऊँ। क्या दिखाओगी? जो हम होंठों पे लगाते हैं। हाँ लिप ग्लॉस। हाँ मैंने वही बनाई है। कब बनाई है? अभी बनाई है स्कूल से आने के बाद। हाँ दिखाओ। ये देखिए, झूठ बोल रही है ये। हाँ ये वैसलीन में क्या डाल दिया तुमने? मम्मा जो हमारी कप की पड़ी हुई थी। हाँ वही वाली है। ये देखें इसने ये क्या बनाया इसको? मम्मा जो मेकअप वाला कलर होता है ना, मेकअप वाला? भाई मेकअप नहीं होता, मेकअप होता है वही वाला रेड कलर वाला ना, कलर निकाल के उसके अंदर से थोड़ा सा फिर इसके अंदर डाल के फिर ना मैंने ना चूल्हे गैस के ऊपर रख के फिर लाया ऐसे फिर बनाई है। तो ये क्या बन गया? लिप ग्लॉस बन गया। तो लगाओ लिपों पर, होठों पर, मैं देखूं। ये देखो। हाँ मैंने भी बनाई है। कलर तो आ नहीं रहा, वैसलीन में जाने इन्होंने ना आई शेड डाल के ना उसको जो ना पिघला के ना ये कह रहे हैं कि लिप ग्लॉस बन गया। ये किसने बताया आपको? टीचर ने? नहीं, फौजिया ने बताया। फौजिया ने बताया। चलो ठीक है। लगी है? नहीं लगी, झूठ बोल रहे हो। सबको सलाम किए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई हो क्या सब? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और रुखसार तुम्हें कुछ ज्यादा ठंड लगी है? हाँ मैंने लिपस्टिक बनाई है। आपने इन्होंने छोटी छोटी डब्बियाँ जो भी घर में वैसलीन की थी ना उसमें साथ, तुमने कैसी बनाई है? मम्मा मैंने वो वाला डाला है, क्या कहते हैं दिखाओ, ये वाली, ये मैं भी लगाऊंगी, ये भी ये लगती है। हाँ? हाँ। ये तो पिंक पिंक लग, बहुत कलर आ रहा है। मम्मा ये मैं बना लें घर में। मम्मा ये मैं स्कूल लेके जाऊंगी सेल करने। नहीं हाँ लगाऊंगी। रुखसाना का कलर बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हारा आ रहा है ना पिंक पिंक? मम्मा ये देखे। मम्मा मुझे पता नहीं था, मुझे आप अरीबा ने बताया। अरीबा बनाती रहती है ना ये चीजें, करती रहती है। लिपस्टिक जो हमने जो हम बाहर से लेते ना वैसी बनाई है। अच्छा उसने पिंक लाइट पिंक बनाई है। चलो ठीक है आ जाओ बाहर चले। और कितने दिनों से ना ये हमारा घोटना जो है, तीन थे, तीनों जना दुआ क्या करती है ऐसे पकड़ के इसको नीचे मारती है ना ऐसे, तो वो ना बीच में से आधा आधा नीचे से फ्लावर बनावे। हाँ तो ये तोड़ देती है। तो आज ये और नया बनावे, कितने का बताया? 300 का ये बना है। और फिर मैंने कहा थोड़ा सा ना इसका मुट्ठी जो है ना थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि जब देखचे में जाता है ना तो ऊपर से हाथ जो है ना जलते हैं। दुआ आप तोड़ोगी घोटना? घोटना तोड़ोगी? ये मंदना तोड़ोगी? दुआ कहाँ जा रही हो? चलो ठीक है भाई, उनके बर्तन इधर थे और हम लोग दे ना 1 kg दूध है ना, आज हमारा दूध कम हो गया है। गिर गई नीचे। हाँ। दिखाओ आप, ये हाल है इन बच्चों का ना। चलो अब कुछ नहीं, चलो सामने देखें लड़के अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। और रुखसार आप और उधर से आओ, मैं इधर से चलती हूँ, देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। इतनी ठंड तो है ना, जो किक्कर के ये दरख्त है किक्कर का, तो ये देखें इनके पत्ते सारे गिर गए ना ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से। ये देखें पूरा ऐसा लग रहा है वीरान हो गए बेचारे। नीचे देखें ये सारे इनके पत्ते गिरे हुए हैं। ये इधर आ गई और ये पानी में भी इसी के ही पत्ते हैं सारे हैं। और ये देखें जावेद और उसके कजन खेल रहे तो ये रहे। और भी आज है ना हमारे घर दूध हो गया ख़त्म, क्योंकि खीर भी बनाई थी, घर गेस्ट भी आए थे तो दूध नहीं बचा था। मैंने कहा थोड़ा सा इनसे दूध भी ले लेते हैं, तो रुखसार से कहा, रुखसार कहती है मम्मा मैंने अकेले नहीं जाना, आप साथ चलें। तो अभी इनसे दूध लेते हैं और फिर चलते हैं घर। और दुआ भी जो है ना ये भी कह रही मुझे भी जाना जी। ओ कुछ नहीं हुआ। आज देखें चांद नज़र आ रहा है ना, सुबह इतनी धुंध थी, सूरज नज़र नहीं आ रहा और चांद नज़र आ गया, चलो शुक्र है। और ये देखे रैबिट जो ना अभी चारा खा रहे हैं बेचारे। यहाँ पर देखे रोटियाँ बन रही हैं अभी ताज़ी गर्मा गर्म। और ये देखे सोप कैसे हो रही है हमारे, एक ऊपर डाली हुई है और ये रही रोटी। दुआ क्या कर रही हो? दुआ अंडा, ये अंडा, ये
श्यामा वालों के घर क्या होता है? अनार। अनार ये मुंदरी। और रूम में ये हाल होता है जब ये बच्चे सारे आते हैं ना बिस्तर बना के, यहाँ पे रुखसार सोती है, आँख क्या कह रही है? मकान लगाने वाली। चलो ये तुम क्या खा रही हो रुखसार? अमरूद। मम्मा ये कहाँ जा रहा है? अमरूद। ईमान तुम क्या कर रही हो? अमरूद। ये फौजी उधर छुपी हुई है। सारा मीठा पे I'm going to have to check.